नमस्कार दोस्तों, भारत के खिलाफ इंग्लैंड वुमेन की शानदार जीत के बाद बदल गया वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल। हार के बाद भारतीय टीम को पॉइंट्स टेबल में लगा बड़ा झटका। तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप स्मृति मंधाना को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वुमेन टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत और इंग्लैंड वुमेन की टीम के बीच मुकाबला खेला गया, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 151 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना डाले और इंग्लैंड की टीम की तरफ से नेट्स कीवर ब्रंट ने 50 रनों की शानदार पारी खेली और वहीं भारतीय टीम की तरफ से रेणुका सिंह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए और वहीं जवाब में 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। लेकिन भारतीय टीम की कोई भी खिलाड़ी बाद में क्रीज पर नहीं डट पाई, लेकिन स्मृति मंधाना ने शानदार 52 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम की धीमी शुरुआत इस मुकाबले में भारत की हार की वजह बनी। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं इंग्लैंड वुमेन की जीत के बाद वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023 के दोनों ग्रुपों के पॉइंट्स टेबल पर। वहीं दोस्तों ग्रुप वन में नंबर वन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसके 3 मुकाबलों में 6 अंक हो चुके हैं, और उसके बाद नंबर दो पर श्रीलंका की टीम है, जिसके 3 मुकाबलों में 4 अंक है। वहीं नंबर तीन पर साउथ अफ्रीका की टीम है, जिसके 2 मुकाबलों में 2 अंक है, और उसके बाद नंबर चार पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिसके 3 मुकाबलों में केवल 2 अंक है, और वहीं नंबर पांच पर बांग्लादेश की टीम है, जिसके 3 मुकाबलों में 0 अंक है। और वहीं ग्रुप दो में नंबर वन पर इंग्लैंड की टीम है, जिसके 3 मुकाबलों में 6 अंक हो चुके हैं, और नंबर दो पर भारतीय टीम है, जिसके 3 मुकाबलों में 4 अंक है, और वहीं नंबर तीन पर पाकिस्तान की टीम है, जिसके 2 मुकाबलों में 2 अंक है, और वहीं नंबर चार पर वेस्ट इंडीज की टीम है, जिसके 3 मुकाबलों में 2 अंक है, और वहीं नंबर पांच पर आयरलैंड की टीम है, जिसके 3 मुकाबलों में 0 अंक है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।